कटनी पुलिस को एक गोलीकांड की जांच करते हुए अवैध हथियारों की तस्करी की नई कड़ी मिली है, जिसमें पुलिस को कटनी समेत दमोह पन्ना के शाहनगर से कुल 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और उनके पास बंदूक समेत गोली और धारदार हथियार भी बरामद हुए हैं। दरअसल कटनी कोतवाली थाना क्षेत्र के गायत्री नगर में बीते महीने दो भाइयों के बीच कुछ विवाद हुआ था, जिसमें डेनिस जैकब को उसके भाई डोनाल्ड जैकब ने गोली मारकर मौके से फरार हो गया था। इस पूरे मामले की जांच कटनी की कोतवाली पुलिस कर रही है। वहीं पूर्व के कुछ मामलों में डोनाल्ड जैकब को अवैध हथियारों के मामले में गिरफ्तार भी किया जा चुका है। जब पुलिस ने आरोपी को गोलीकांड के आरोपी डोनाल्ड जैकब को अरेस्ट किया तो पूछताछ में अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में सुराग मिला। पुलिस ने डोनाल्ड से कड़ी पूछताछ की तो दमोह के अरविंद पांडे और पन्ना के शाहनगर के इब्राहिम अंसारी और बबलू राजा के साथ हथियारों की खरीदी बिक्री की बात का खुलासा हुआ, जिसके बाद कटनी पुलिस ने इन सभी को अरेस्ट किया। साथ ही इन सभी के पास से बंदूक और गोलियां बरामद हुई, धारदार हथियार भी जब्त किए गए, जिसके बाद पुलिस के द्वारा तीन आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं डोनाल्ड जैकब के ऊपर आर्म्स एक्ट और हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश कर रही है। गिरफ्तार किया है उन दोनों से भी जो इन्होंने भेजना